गोलू के साथ में उस घर में हो रही है शादी। मैं जाने वाली हूँ खतरों के खिलाड़ी में, तो मुझे कॉल आ चुका है रोहित शेट्टी जी का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हुक करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। नई दिन नए सुबह हो चुकी है, बच चुके हैं 8, चीकू जा चुका है स्कूल। मैं उठ चुकी थी क्योंकि चीकू को भेजना था स्कूल, तो अभी जो है ब्रश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। कुछ खाती हूँ पीती हूँ, उसके बाद जो है बच्चे देखेंगे। बच्चे अभी सो रहे हैं, जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक थोड़ा सा और सो जाऊंगी क्योंकि रात को सोते सोते 4 बज गए थे। चीकू रात में उठ गया था, उसको दोबारा सुलाया। और आज है धीरज भैया का बर्थडे, आज हमारी टीम में एक और मेंबर का बर्थडे है, तो आज उनका केक कट करेंगे। हमारे यहाँ पे लोग इतने हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है साल भर में ना हर महीने में केक कटते हैं हमारे यहाँ पे। और जैसे कि आप सबको पता है, हम जो है अपना बर्थडे, ये पीछे से मटक रही है, इसका भी बर्थडे आ रहा है, इसलिए अपना भी केक कटवाएगी, इसलिए मटक रही है। तो आपको पता है हमने तो अपना तो बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया है। हमने बोला है कि अब हम सिर्फ अपने 4 बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया करेंगे, हमारा नहीं करा करेंगे। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है अरमान जी तो ऑलरेडी नॉमिनेट रहेंगे जब तक इस गेम में रहेंगे, उनकी सजा है ये। पर इस बार जो नॉमिनेशन में गोलू का भी नाम है, ये मतलब ये चौथी वीक में पहली बार गोलू का नाम आया है। तो मैं ये चाहती हूँ आप दोनों को इक्वल वोट करें और इस गेम में अभी भी बनाए रखें, ताकि अभी तक जो पर्सनैलिटी सामने आई है उसके बाद मैं चाहती हूँ आगे उनकी पर्सनैलिटी सामने आए और वो आपको दिखा सके कि अगर यहाँ से गए हैं घर से अपने बच्चों को छोड़ के, तो वो उस गेम में और भी रह पाए। तो प्लीज, जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, हमारी फैमिली को प्यार करते हैं, हमारे बच्चों को प्यार करते हैं, वो गोलू और अरमान को प्लीज वोट करना। मैं चाहती हूँ वो उस गेम में अभी भी रहे। मैं ये नहीं कहती ट्रॉफी देखो किसी एक को मिलेगी, अब जो उस ट्रॉफी के लायक होगा वो उसे की मिलेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ जब तक ये गेम चल रहा है तब तक वो दोनों वहां रहे। तो प्लीज आप वोट करना। तो गाइज, यहाँ पे आ चुका है मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है सिंपल पराठे और कौन सा साग बनाया था शांति ने, जलाई वाला साग बनाया था रात को, इतना ही बचा। देखो इतना सारा साग था और इतना सा बचा है, और मैंने थोड़ा सा रात को टेस्ट किया था, बहुत टेस्टी था ये। अगर अभी उसको जो हमारा चुलाई लगा हुआ ना उसको मैं अच्छे से खाद वाद दूंगी और ये साग दोबारा उसमें उगाऊंगी, ताकि ये साग जो है ना, ये सदाबहार साग है ना। और ये अच्छा पता क्यों बना, क्योंकि घर में लगा हुआ था और हमें पता भी नहीं था इसका, नॉन पेस्टिसाइड्स था ये। और हमें पता भी नहीं था इसका कि ये साग खाया जाता है, और सच में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ पे चाय बहुत ज्यादा है, तो मैं थोड़ी चाय दे देती हूँ लक्ष्य को। लक्ष्य ऑलरेडी छोले चावल खा चुकी है। चलो भाई, एक पराठा तो नहीं खाऊंगी, एक पराठा खा के फिर हम जाएंगे दोबारा सोने। दीदी देखना गिर गया क्या? ना गिरा नहीं, तो ये लक्ष्य खाती है तो मनो। मेरे को कल कह रही थी, मेरा ना सलेटे खाने का मन कर रहा है, मैंने बिल्कुल मन मांगी नहीं। सलेटे का नाम तो कुछ और बोला था आपने, गलत सुना था। अच्छा, कुछ और बोला था मैंने, मुझे ऐसा लगा तुमने सलेटी बोला है, तो मेरे को कह रही सलेटी मंगा लो। मैंने कहा नहीं, बड़ी मुश्किल से छूटी है, मेरे पेट में पथरी हो गई है, तू भी मत खा। पता लगे मेरा तो अभी दर्द हुआ नहीं, शुगर है, भगवान करे हुए भी ना, जब अरमान जी आएंगे तब ऑपरेशन करवा लूंगी। ये देखो क्या गंजा कर दिया है। मैं रोज कहती, मैं कहती दीदी ये पत्नी गिरता है किसी से क्या होता है। मैंने भी बीच में देखा था, मुझे लगा ये ना ऐसे गिर के टूट गया, कोई तो आपने बताया ये खाते हैं। इन्होंने खाया, मन्नू ने भी दिए। मन्नू मुझे रोज कहती कहती आंटी ये क्या होता है, देखो बड़ा टेस्टी। नहीं मैं नहीं खाती, खाने तो बहुत हुई है। अम्मा आप कैसे हो, आप कब आओगे? बड़ा टाइम लगा दिया आपने वहाँ पे। हेलो शिट, फोन ही बंद हो गया। अम्मा का फोन आया था कलकत्ता से, फिर क्या हुआ, बड़े परेशान हुए बिग बॉस में। मैंने कहा आंटी अम्मा बहुत परेशान, देख रही है ना अम्मा। तो भाई देखो प्यार तो है माँ का, माँ देख रही थी वहाँ से बैठ के अपने बच्चों को, तो बस माँ का भी आशीर्वाद बना रहे, आपका भी प्यार बना रहे, और क्या चाहिए जिंदगी में, कुछ नहीं चाहिए। 4 बच्चे हो गए हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, ठीक है, अम्मा भी है और हमारे जो माँ बाप है, क्योंकि पापा के जो इस दुनिया में नहीं है वो भी हमें देख रहे होंगे, वो भी हम अपना ब्लेसिंग दे रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। हमारी माँ, हमारी दादी जो चिकू पापा की दादी थी, वो भी ब्लेसिंग दे रही होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार ना मुझे ऐसा लगता है चिकू पापा को दादी करती थी। तो यहाँ पे ना मैं दीदी से पूछ रही हूँ कि रात को जो मतलब दिन की दवाई तो दे दी थी, रात की दवाई दी कि नहीं दी? तो शांति करिए, रात को तो सो गया था, दी नहीं। दीदी कह रही है उनकी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही है तेरी ताकत के। मैंने कहा ताकत क्या मजाक कर रही हो दीदी, ताकत हमारे बच्चों में ताकत तो दिखती नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता गाइस, हम छोटे थे ना, मैं बहुत छोटी थी बचपन में, मैं इतनी मोटी थी, गप्पा सी, चीकू भी इतना गप्पा सा था, ये दोनों पता नहीं इतने पतले कि वो घर में कोई खाने की कमी नहीं है, सब आगे से आगे ला के रखा होता है एडवांस में, ये खाते ही नहीं है बच्चे। मैंने इतने बच्चे देखे हैं, अपने खुद के घर में देखे हैं, बच्चे इतना अच्छे से खाते हैं पीते हैं, जो दे दो उनके माँ बाप जो देते हैं वो खा जाते हैं, बट हमारे बच्चों को पता नहीं क्या है, इधर उधर की चीज कोई कीड़ा दे दो वो एक मिनट उठा के मुंह में डालेंगे, कोई कीड़ा दे दो कुछ दे दो वो खा लेंगे, पर खाने की चीज तो ऐसे थूक देंगे। तू
ये लाइट प्रूफ, कौन खाता है बैंगन कच्चा बैंगन? ये तूबा ने खा रखा है या यार ने खा रखा है? हमारे बच्चे कच्चे सब्जियां तक खा के थूकते हैं पर खाना नहीं खाते। या मैं हाजिर। इसे सोचो यहाँ पे इतने गप्पे चल रहे हैं, औरतें गप्पे कर रही है, तो मैं अंदर बैठ के सो के क्या करूंगा? मैं तो टाइम से सो गया था, तो मैं भी गप्पे मार लेता हूँ। चलो फिर काका लटका के घूम रहे हैं। ये काका को लेके रो रहा था वहाँ पे, जैसे मैं पहुंची ना इसको मैंने उठाया, इसने काका को उठाया। मंगन मंगन हो गई है री, मंगन मंगन हो गई है, कल रात को बैंगन खाए थे तो बैंगन मंगन हो। ब्रिंजल बोलो, ब्रिंजल जलाया, ब्रिंजल आया, ब्रिंजल आया, ब्रिंजल आया, ब्रिंजल खाया। मक्खी नो मटर, नो मटर, नो मटर, ओनली पटर पटर। आप इतनी जल्दी क्यों उठे हैं? इतनी जल्दी क्यों उठे? दोनों भाई बहन सो रहे हैं अभी। सो ये क्या स्टाइल है बेटा? ये कहाँ से निकला? ये बाजू में थे। व्हाट दिस स्टाइल? इस स्टाइल को अंदर रखते हैं, जय गुरु जी की बोलते हैं। अच्छा कमेंट आ रखा था, कह रही है गुरु जी का ना इसको रेड वाला धागे बनाते हैं। अच्छा अच्छा यही बात है। देताली देताली तेरी माँ काली, देताली तेरी माँ काली। आलू मक्की नो पकड़ी, नो पकड़ी, उसको भागने देनी, नो पकड़ी। आलू इधर आ जाओ। उठते ही ना इसको अब जो है फुर्ती आ गई है और ये मक्खी को पकड़ने जा रहे हैं। नो बेटा मक्खी को नहीं पकड़ते, इधर आ। बहू थोड़ी है वो, बहू तो बड़ा होता है, तो छोटी सी चिन्नी सी, चिन्नी सी है। बहू नहीं है वो, इधर आ जा, बहू के बच्चे इधर आ जा। नहीं आनू, मक्खी है, मक्खी, ये मक्खी है, इसको नहीं पकड़ते। आनू आनू छोटा बच्चा है वो, ये ऐसे बैठता है। आनू वाकई कर रहे हो क्या? डरा रहा है तू उसको? नहीं डराते नहीं, चलो इधर आओ। चलो उस घर में चलेंगे हम, भैया उठ जाएंगे। चलो चलो काका, चलो काका लेके उधर चलेंगे। चलो पापा को देखेंगे, काका लेके चलो पापा को देखेंगे। कैसे बैठा है, क्या हो गया? तो भाई चेरी लेके आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था चेरी खाते हैं बच्चे, तो ये चीकू कह रही हो। अरे चीकू को स्कूल में भी दे सकते थे, चेरी तो रखी थी, दिमाग ही नहीं रहा। तो ये मैं आयान को देख के आती हूँ, फिर जब वो दोनों दूसरे उड़ जाएंगे उनको भी देख के आती हूँ। अन्ना के लिए नाना, ले लो काय काय कर लो, ये भी पकड़ो, ये भी पहले वो खाओ, वो दो मम्मा को दो, हाथ में हैंडू में जो है वो दो हैंडू वाला, ये खा के देखो काय काय करो। बैक फ्लिप क्यों कर रहे हो? आयान है फिर आनो, अब इसको मारना मन लगे ना। आना तो वैसे तो हम लोग गद्दे हटाते रहते बीच बीच में, पर आज जो ना हमने सोचा थोड़ा देर ना बाहर धूप में उनको धूप लगाते हैं, तो ऊपर डलवा दूं छत पे, है ना, थोड़ी स्प्रे, तो थोड़ी बहुत टॉयलेट किया, एक काम करते ऊपर डलवा देते थोड़े, है ना, धूप में। फिर एक देर तब तक बच्चे सो रहे हैं, फिर नहालेंगे धोलेंगे, इतने में हवा लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कदम ऊपर लेके जा रहे छत पे और थोड़ी हवा लगवाते हैं। कौन से ली तूने? हाथ कट जाएगा उससे। चल भाग। सारे इसको चीजें किसी को मिलती, सारी इसी को, सारी जो अटरम सटरम चीजें होती है ना, इस लड़के को ही मिलती है बाहर से। चल अंदर अंदर, तेरे को टॉयज की कमी है क्या? नई नई चीजें ढूंढ के लाता है। क्या ये हाथी? अपने आप अंदर से आके यहाँ से घुस के अंदर बैठा हो। एक काम करते शांति, इसको अंदर लगवा लेते, यहाँ गर्मी होती है। फेवरेट हो गया ना, कोई अंदर रखा लेते। डिश हाथ से डिश करता है ना, ये इसने यही सीखा है। डिश उसी से मारता है। डिश गंदी बात, डिश नहीं करनी। चल बॉल के साथ कर रहा है, कोई बात नहीं, इंसान के साथ मत कर। अनु आजा, आजा आजा बाहर आजा। चलो ले, मैं इसको बंद कर देती फिर निकलेगा ना, ये तो टेंशन रहेगी क्योंकि अभी ये बाहर नहीं आ रहा, जबरदस्ती लेके जाएंगे रोएगा। बस ये बंद। तो यहाँ पे जो है बच्चों की अलमारी भी साफ की जा रही है, ये भी साफ होती रहती है टाइम टू टाइम, और अगर इसे साफ ना करें ना तो यहाँ पे चींटियां आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों का खाना पीने का सारा सामान इस अलमारी में रहता है, इसलिए इसको हर दूसरे तीसरे दिन क्लीन करते रहते हैं। मैं डर गई कि तूने बोला कि वो देख वो देख, मैं तो बाहर निकल गया, मैंने भी यही सोचा कि बाहर चला गया। यानू डरा दिया चिचुम। अब गाइस देख लो बॉल कितनी जोर से हिट कर रहा है, तो हमें कितनी जोर से हिट करता होगा। अनु कह रहा, अनु क्या झाक रहा है नीचे? कह रहा मैं अनु क्या झाकी कर रहा है? अच्छा एक और ये दिख गिरा हुआ नीचे। अनु ये चाहिए, ये लो खुद ही अनु बोलता है। तो गाइस यहाँ पे बच्चों के कपड़े जा रहे हैं ऊपर धूप लगने के लिए, थोड़ी जो पानी की के सामान गिरने की टॉयलेट की जो भी स्मेल होगी ना वो निकल जाएगी। ये आज हम दोपहर के बाद लगाएंगे वापस गत्ते। अब मुझसे लियो तू, ये भी फेंक दे, अभी इसे भी फेंकने जाएगा। अब तुम मुझसे मांगियो टॉय, ऐसे कौन करता है? हाँ कौन करता है? तो भाई मैं उठ के आ चुकी हूँ और यहाँ पे जो है रोड, ओए नहीं रोड धोना चल रहा है, एक डब्लू के पीछे तीनों रो, एक डब्लू के पीछे तीनों रो रहे हैं ऐसे बिलक बिलक के। डब्लू छुपवाया है। अच्छा चुप, बहुत रो रही है। जैदा इधर आओ, डब्लू के पीछे रो रहे हैं। प्यार तो करते, देखो आ गए ऐसे कर रही, आंखें खोल रही तू बा गाइस।
नहीं तीसरा नहीं आया। मर गई मम्मी। ओए पापा मम्मा ये भी कर रहे हैं पापा मम्मा पापा। तो गाइस ये हमारे गाने जो है ना नंबर वन रिकॉर्ड्स पे है, जरूर जाके देखना। आपको पता है आप तीनों के जाने के बाद हमने इन्हें कैसे रखा है? ऐसे ही रखा है टीवी के लगे। हाँ पापा मम्मा मम्मा पापा। ओए 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 देख लो इसको कहाँ जाके बैठा हुआ है, पेट में नहीं बैठना आता, मुंह के ऊपर बैठता रोज। ये सब ओए नहीं कैमरे थप्पड़ मार, क्या तू कैमरे को थप्पड़ मारने लग गया? कोई नहीं मिल रहा तू। लस्सी 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 पियो लस्सी पियो लस्सी नहीं। तो गाइज आप लोगों के सबके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, मैं जाने वाली हूँ खतरों के खिलाड़ी में। तो मुझे कॉल आ चुका है रोहित शेट्टी जी का और उन्होंने मुझे बुलाया अपने शो पे। जाता ना वैसे ढोल नहीं पीटता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं। बिग बॉस की वो होती है, इसकी थोड़ी होती है, सबके रूल्स होते हैं। तो ये अब तो लाइव होने वाला है ना। हाँ। आने वाला है ना, तो मैं पहले बता रही हूँ। अब एड आने लगी, सारे कंटेस्टेंट आ रहे, मैं नहीं दिख रही ना, मैं बिग बॉस में थी ना, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाई गाइस। अब जा रही हूँ मैं, बस आपको दिखने वाली हूँ मैं। कहाँ हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है? एक बहुत बढ़िया जगह पे होने वाला, तो मैं मिल रही हूँ आपको खतरों के खिलाड़ी। तो गाइस इसको ना जाड़ आ रही है सारा दिन, ये उंगली जो है मुंह में रखता है, मुंह में रखता है, क्यों रखते हो? लालू राम बने हुए हो, लालू राम। इसको ना किलक्रिया फास्ट दवाई दो दांतों के लिए। अब इसके पूरे दांत नहीं है। पूरे दांत कहाँ से आ जाएंगे अभी? मतलब बच्चों के जितने आते उतने नहीं है। वहाँ देख कह रही आ रहे धीरे धीरे। तू बारे तो जाट नीचे उतरना है, तू बारे जाट रख लिए। इसका अंगूठा उठा के चल रहा है, अंगूठे में दर्द हो रहा है। कहाँ जा रहे हो पाप, कहाँ जा रहे हो? आता है बाहर निकलता है, इसको पता है आजकल के यहाँ पे मेरा झूला लगा हुआ है, सीधा आता है। ये देखो यहाँ से इसको पता है अंदर घुसना होता है, यहाँ से अंदर घुसता है, ऐ ऐ करता है। अब आपको बॉल चाहिए होगी, अब इसको फुटबॉल दो। क्या देख रहे हो? ओ ये देख रहे हो, कौन है ये दादा? कौन है? अरे तकिया थोड़ी था पीछे, एक गया थोड़ी था। ये कच्चे का ऊपर वो रखा है, साइड एक नीचे वो रखा, बन रहा है अपने आप को फुटबॉलर। बहुत बड़ा बहुत डुशुम डुशुम करने लग गया गाइस आजकल, पता नहीं कहाँ से सीखा। मारो ओए वापस भाई, तो तूबा से दूर रखा। देख वही वाला अंगूठा उठाता है। हाँ, मारने को भी बहुत मारने। तो भाई यहाँ पे जो है दोबारा से स्नान कर रहे हैं दोनों बच्चे मेरे जो है, दिखा नहीं सकती क्योंकि डायपर पहन के नहा रहे हो, तो कुछ ना कुछ वो गाइडेंस के थ्रू आ जाता है। तो इनकी मस्ती बहुत ज्यादा मजेदार लग रही है। यहाँ पे दोनों भाई जो है ऊपर शावर के नीचे नहा रहे हैं। तो गाइस जब से गोलू अंदर गई आज पहली बार नॉमिनेट हुई है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो गोलू को, मुझे और अरमान जी को प्यार करते हैं, जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था मेरे बाहर आने पे, लोगों ने बोला था कि पायल को अभी नहीं आना चाहिए था, उसे और खेलना चाहिए था, तो सारे लोग जाके जल्दी जल्दी वोट कर दो अरमान और कृतिका को, कि नॉमिनेट हो चुके हैं और वोटिंग लाइन भी शायद खुल चुकी होगी। अब तक हमने फोन लॉक कर दिया, मम्मा का फोन 1 मिनट के लिए लॉक कर दिया आपने। क्या पासवर्ड लगाए थे? मम्मा से पूछ लेते, मम्मा लगा के दे दी थी पासवर्ड, और रीसेट भी कर रहा था मेरा फोन। पुती पुती हो गई, पुता पुता हो गया। हाँ देखो खाना बन गया, पापा ने खाना बना दिया। देखो बिग बॉस हाउस में पापा खाना बना रहे, यहाँ पे पापा ने एक बार बनाया था। पापा आएंगे ना, खाने वाली आंटी है, ताकि पापा को बोलेंगे रोज हमें खाना बना के खिलाओ, वहाँ पे आप इतने लोगों को खिला रहे तो हमें भी खिलाओ। तो गाइस यहाँ पे खाने की प्लेटें देख देख के ना मुझे भी लग रही है भूख, और यहाँ पे इतनी सच में बहुत ज्यादा भूख लगती है। जितना थोड़ा अब कम राशन हो गया ना, तो ज्यादा भूख लगती है, और वैसे भी पता नहीं क्योंकि काम नहीं होता वहाँ ज्यादा, तो भूख लगती है। तो मैंने अभी भेजा है किसी को ऑमलेट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो अंडे की कमी है, अंडों के लिए लड़ाई होती रहती है। आज भी अंडों की बहस हो रही थी, तो भाई हमारे घर में अंडे की कमी नहीं है, तो भाई मैं ऑमलेट खाऊंगी, रेडी हो जाऊंगी। और जब तक मैं अंदर थी ना, मैं नहाती थी, फिर काम करती थी, फिर रेडी रहती थी, और जब से घर में आई ना, रेडी होना बिल्कुल बंद कर दिया। कल से वापस से मेरा वो ही रहेगा, सुबह मॉर्निंग में करेंगे हम जिम, शाम की जिम बंद। क्या कर रहा है मेरा मामा? इधर आओ मामा, इधर आओ बेटी, इधर आओ, इधर आओ मेरा सोना, इधर आओ, चलो चलो खाई खाई करेंगे, आ जाओ। सुनता नहीं है, जब खेलता है ना किसी नहीं सुनता। क्या दे दो, कहाँ से लाइए? मैंने खा लिया अंडा, बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। तो गाइस अभी अभी धीरज भैया के मम्मी पापा आए थे, उनके साथ बैठे हुए थे, और यहाँ पे जो है हमारे तीन बंदर जो है, क्या कर रहे हो? क्या हम उछल रहे थे? तो बस हो गई क्या? तो ये दोनों क्यों जाग रहे हैं? क्या 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 गाली दे रहा है? गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। बंदर कहीं का कहाँ जा रही है तुबा? तुबा इतनी आधी रात को कहाँ जा रही है बेटा? आधी रात को कन्या है जो घर से बाहर नहीं निकलती। चलो घर के अंदर, चलो सोई सोई करो, चलो। तो अभी जस्ट मैं ना ऐसे कमेंट्स पढ़ रही थी, आप लोगों को पता है मैं आजकल कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि लोग अभी भी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक कमेंट आया था रूपा जी का, वो लिख रही है लोग आपकी फैमिली को तोड़ना चाहते हैं। तो रूपा जी
मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि अरमान पायल से प्यार नहीं करता है और पायल जैद से प्यार नहीं करती है, पायल फर्क करती है अपने बच्चों में। तो लोग चाहते हैं कि हमारी ना फैमिली टूट जाए, पर हमारी फैमिली ना इस कगार तक पहुंच गई थी, टूट गई थी हमारी फैमिली, पर हमने वापस अपनी फैमिली को वापस इकट्ठा किया है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी फैमिली टूट पाएगी, पर लोगों को लगता है कि टूट जाएगी पर नहीं टूट पाएगी। तो गाइस यहाँ पे तूफा रोई रोई जा रही है और गोलू के साथ ना उस घर में हो रही है साजिश। अभी तक वो नॉमिनेट नहीं हुई थी पर अभी नॉमिनेट हो चुकी है, तो साजिश बहुत पक्की हो रही है। तो बस गाइस अभी तूफा रानी तो सोने का नाम नहीं ले रही, मम्मा को फोन कर रही है आधी रात को, इतने दिन से बात नहीं करी मम्मी ने, आ जाएगी मम्मी से बात सुना दो। तो बस गाइज ये तो ऐसे ही करती रहेगी, इसको सुलाते हैं हम, अब इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी आके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना भी भूल ना। बाय बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जय गुरु जी की।